आज हम आए हैं धामरा की एक जगह है जिसे चंदनीपाल बोलते हैं, जहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल ने एक ट्राइंगल लिया है कि मतलब एक नदी का रूप लिया है, तो वो उस साइड से जो सी का वाटर इस साइड से आ रहा है और एक नदी के टाइप बहुत ही मतलब ज़्यादा तो वाइड भी नहीं है, लेकिन जो पानी बहुत ही तेज़ चल रहा है और वहाँ बीच में क्या पता नहीं वो क्या चल रहा है, गोडजिला टाइप का वो दिखाई नहीं दे रहा अच्छी तरह से। तो बाकी शिप्स भी यहाँ हैं, जो छोटे छोटे शिप्स भी यहाँ हैं वो प्रोक्स घुमाने के लिए लोगों को यहाँ से वहाँ लेते हैं। आप अगर चाहो तो यहाँ घूम भी सकते हो, तो कुछ कॉस्ट लगेगा उसमें और बाकी 30-40 मिनट में वो आपको बिल्कुल ओशियन तक ले जाएंगे। बाकी यहाँ थोड़ी मतलब पानी भी अच्छी तरह मतलब होती है ना सॉल्टी वाटर, और इतना भी फ्रेश वाटर नहीं है। बाकी यहाँ बहुत मगरमच्छ भी होंगे, अभी पता नहीं यहाँ लोकल सिटीजन से भी पूछा नहीं कुछ क्या कैसा क्या सीनेरियो है यहाँ का, सिर्फ मैंने दोस्त ने बोला था कि हाँ यहाँ जाओ तो आ गए। और बाकी साइड में जाने को भी डर लग रहा है कहीं कोई मगरमच्छ ना हो जाए साइड में, और ये पानी भी फ्रेश नहीं है इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, एकदम मडी वाटर है, कीचड़ जैसा पानी लग रहा है, तो पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा ही तेज है। अभी बारिश का मौसम है तकरीबन, अभी तो रेनी सीजन है और यहाँ बाकी हर रोज़ शाम को और आफ्टरनून को बारिश होती है, तो अभी भी वहाँ उस ओर देख सकते हो इस ओर से बारिश अभी आ रही है, अभी भी थोड़ा थोड़ा यहाँ मतलब बूंद गिर रहा है हमारे ऊपर। बाकी वहाँ हम देख सकते हैं यहाँ कितने ज़ोर से बारिश आ रही है, बहुत ही ज़ोर से बारिश आ रही है, और यहाँ तो डेली आफ्टरनून और इवनिंग में बारिश होती है बहुत ही अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ चुके हैं चंदनीपाल में, जो अप्रोक्स 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर दूर है जो धामरा बस स्टैंड से, और यहाँ आप देख सकते हैं सीनरी यहाँ कैसा है। यहाँ भी बहुत ही फिशरमैन फिश पकड़ने के लिए जाते हैं, बाकी ये सीन ही है जी। यहाँ से रूट वहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे मतलब शिप भी हैं, छोटे छोटे शिप भी हैं, और एकदम माहौल एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सामने यहाँ के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, और वहाँ आप देख सकते हैं वहाँ 2-3 किलोमीटर दूर जो ये आमर डंगा फंगा फोटो तुम फोटो उठे गोटे चल चल आम जाऊ खाली एपट गोटे भिडियो भिडियो कर जैसी आ गई है अंदर घुसी है, तो यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर और भी दूर है समंदर, और जब हम
आ रहे थे तो वो भी बहुत ही मतलब डेंजरस जगह लग रही थी वहाँ पे मतलब। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लोग बहुत सारे लोग हैं जो अभी इनके सिप जा गए थे वहाँ पे, अभी ये साफ कर रहे हैं जो निचली जगह, जो नीचे वाली जगह को साफ कर रहे हैं। और बाकी कुछ कुछ तो उस साइड में जो गए हैं मछली पकड़ने के लिए सिप्स, और आप देख सकते हैं वहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जो दिखाई दे रहा है वो सिप रह गया है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। बाकी वो धामरा पोर्ट है, वहाँ पे बहुत ही मतलब फेमस पोर्ट है उड़ीसा का, बाकी इंडिया का भी बहुत ही फेमस पोर्ट है जो। और यहाँ जो सी रूट से बहुत ही ट्रेड होता है, बाकी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर भीतरकनिका है, वहाँ भी हम सी से ऐसे ही मतलब यहाँ से जा सकते हैं। और बाकी ये जो पोर्ट है बहुत ही बड़ा पोर्ट है, बहुत ही अभी ये डेवलप भी हो रहा है, और सुनाई भी ऐसा मतलब आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारा एयरपोर्ट भी होगा फ्यूचर में। बाकी ये जो भी धामरा पोर्ट है बहुत मतलब ऐसी पोर्ट है कि हाँ उड़ीसा में जो ट्रेड करने जाते हैं फिशरमैन और जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं तो वो इसी के ज़रिए से होते हैं, पारादीप पोर्ट से भी होते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ का सीनेरियो कैसा है।